हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। रागी या मड़ुआ या फिंगा मिलेट या इंडियन मिलेट, इसे हम कई नामों से जानते हैं। रागी के आटे में कोलेस्ट्रॉल और सोडियम 0% होता है, फैट के पर 7% होती है। इसके अलावा इसमें डाइट्री फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम, आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है। रागी में ऐसे ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी माने जाते हैं। गेहूं या चावल के आटे की तुलना में रागी में पॉलीफेनोल्स और फाइबर की मात्रा अधिक होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। सुबह का नाश्ता या दिन के लंच में रागी को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। जिन लोगों के बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो, उन लोगों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है रागी या मंडुआ का रोटी, या फिर इसका हलवा बनाकर या फिर केक इसे किस रूप में भी आप खा सकते हैं। यह आयरन का बेहतरीन सोर्स माना जाता है। यह एनीमिया की समस्या को दूर करता है। जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, उन लोगों को भी रागी का मंडुआ का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए जरूरी अमीनो एसिड और प्रोटीन से भरपूर होता है। रागी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो आपको तनाव और स्ट्रेस कम करने में सहायक होते हैं। अगर किसी को अनिद्रा, डिप्रेशन या एंग्जाइटी की समस्या हो तो उन्हें जरूर रागी या मड़ुआ का रोटी का सेवन करना चाहिए। रागी की तासीर गर्म होती है। रागी का एक ऐसा अनाज है जिनमें कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं। अधिकांश लोगों को रागी के फायदे के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कुछ लोग रागी को नाचनी के नाम से भी जानते हैं। रागी में आयरन, पोटेशियम, फाइबर के अलावा भी कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, कैरोटीन, ईथर के अर्क, मेथोनाइनिन, अमीनो एसिड, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 पोषक तत्व भी उचित मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, शरीर में सभी जरूरी पोषक तत्वों का होना अति आवश्यक है। अगर शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो तो शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी से ना सिर्फ हमारे शरीर की हड्डियाँ और मांसपेशियाँ कमजोर होती है, बल्कि इसकी कमी से बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ पाती है, बाल झड़ने लगते हैं और याददाश्त भी कमजोर होने लगती है। रागी में उच्च मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। रागी को रोजाना आहार में शामिल करके कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है। अगर किसी को किडनी स्टोन से जुड़ी समस्या हो तो ऐसे लोगों को रागी का सेवन नहीं करना चाहिए, या फिर थायराइड के मरीजों को भी रागी का सेवन करने से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा रागी खाने की वजह से कब्ज, डायरिया, पेट में गैस जैसी दिक्कतें भी हो सकती है, परंतु इसका सीमित मात्रा में सेवन किया जाए तो यह सेहत के लिए वरदान माना जाता है। ऐसे ही हेल्थ, ब्यूटी और नॉलेज से जुड़े हुए दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, कीप वॉचिंग। थैंक यू।